कर्नाटक आपको लेकर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्नाटक दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं। और ये तस्वीरें अहम इसीलिए भी हो जाती हैं क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है अगले साल और उससे पहले सीएम का दौरा, सीएम योगी वो चेहरा जो जहां जाते हैं उस राज्य में जीत दर्ज कराकर ही आते हैं। और उससे पहले जिस तरह से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट किया गया है और वो उद्घाटन करते नजर आएंगे स्वास्थ्य केंद्र का, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में लगभग एक से दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कर्नाटक का दौरा है और उनके दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो जाता है। कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो सीएम योगी आज कर्नाटक की धरती पर हैं और उनके साथ कर्नाटक के सीएम भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी लगातार सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। शेवन स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने उद्घाटन किया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन कर्नाटक में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, लोकप्रियता है, दबदबा है, लोग उन्हें यहां पर पसंद करते हैं, सीएम उन्हें यहां पर पसंद करते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नीति अपनाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो नीति अपनाई है अपराधियों के खिलाफ, जो नीति अपनाई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इन तमाम नीतियों की तारीफ की जाती है और कर्नाटक में लगातार इसकी चर्चा देखने को मिलती है। खुद कर्नाटक के सीएम भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। सीएम बुम्बई कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अपराध के खिलाफ जिस तरीके से यूपी में एक्शन लिया जाता है और जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ऐसे में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आना वो भी तब उस वक्त पर जब अगले साल विधानसभा चुनाव है जिसकी सुगबुगाहट कर्नाटक में शुरू हो चुकी है। सियासी गलियारों में भी कर्नाटक को लेकर काफी चर्चा है, राजनीतिक पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने में कर्नाटक में लगी हुई हैं और उससे पहले यहां पर कहीं ना कहीं जमीन मजबूत करने की कोशिश भी आप कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जाए वहां जीत दर्ज ना करा पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसे प्रभावशाली नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जहां जाते हैं जीत तो दर्ज कराते ही हैं, इसके साथ ही उनका उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, जनता उनसे स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, चाहे किसी भी राज्य की क्यों ना हो, क्योंकि जो नीतियां हैं सीएम योगी की वो नीतियां हर राज्य में देखी जा रही हैं, उनको अपनाया जा रहा है। बुलडोजर मॉडल की ही शुरुआत देख लीजिए सीएम योगी ने की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमाम राज्यों में इसे धीरे धीरे अपनाया जाने लगा। बेंगलुरु से जयपाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जयपाल का सीधे रुख करेंगे। जयपाल स्वास्थ्य केंद्र का यहां पर उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वहां पर फिलहाल इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो एसपीएम नेचुरल पैथी एंड योगा सेंटर ये उद्घाटन किया गया है, लगभग ये 2 एकड़ में फैली हुई जगह है जिसके अंदर में एक तरह से आप नेचुरल पैथी जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा एक तरह की नेचुरल प्राकृतिक तरीकों से उस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और इस वक्त आप वहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और धर्मस्थल के धर्म अधिकारी जिनको डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जो कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है वो भी वहां पर उपस्थित है। और दरअसल ये एक तरह से जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका सेंटर है और यहाँ पर चेम्बर है, वहां पर भी आपको जो वेलनेस के पूरे प्रोग्राम होंगे उसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री का ये बहुत ही शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं लगभग 2-2.5 घंटे के लिए इस वक्त वो बेंगलुरु में मौजूद है, 11:30 बजे के आसपास वो आए हैं और 2 बजे के बाद वो यहाँ पर से वापस उत्तर प्रदेश लौट जाएंगे। लेकिन ये जो सेंटर है लेकिन जयपाल ये सेंटर तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, इसके साथ सियासी जमीन भी मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कर्नाटक का दौरा कितना महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है? देखिए योगी आदित्यनाथ भले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों लेकिन उनके प्रशंसकों की संख्या कर्नाटक में भी कम नहीं है, क्योंकि वो खास करके दक्षिण कन्नड़ा क्षेत्र के अंदर में जो भी मठ है उन सबों के अंदर में योगी आदित्यनाथ का शुरू से आना जाना रहा है। और इस क्रम में उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहते हैं कर्नाटक में भी है
और राइट तौर पर जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री कर्नाटक के बसवराज बोम्मई ने एक बार कहा था दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण नटेरू की हत्या के बाद कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जो भी मॉडल को भी अपनाएंगे, तो उस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा जो इनके बीच में लगातार सावरकर को लेकर के कई तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती रही है और खासकर जब 2023 में चुनाव है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस छोटे से दौरे के अंदर में मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में आपस में क्या बात होती है, इस विषय पर चर्चा होती है वो भी। ये छोटा सा दौरा क्या नई रणनीति को अंजाम देता है और किस तरीके की जमीन तैयार करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जयपाल, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।